नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन सबसे पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन में जिनके लिए शोक संदेश पढ़े गए उनके गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री शैला दीक्षित, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री शारदा रानी व संयुक्त पंजाब विधानसभा की भूतपूर्व सदस्य स्नेहा लता शामिल हैं। इसके अलावा 4 स्वतंत्रता सेनानियों में भी जिला कुरुक्षेत्र के गांव कराहा साहिब के जगीर सिंह, जिला रेवाड़ी के गांव मूसेपुर के नारायण राम नारायण, जिला अंबाला से अंबाला शहर के देशराज भट्ट और जिला चरखी दादरी के गांव द्वारका के दूली चंद शामिल हैं। सदन में हरियाणा के कावड़ियों के अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। इसके बाद सदन के सदस्यों ने सदन में 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, शोक प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में देश और प्रदेश से बहुत से महानुभाव कुछ हमारे बीच में नहीं रहे, उनके स्वर्गवास होने पर मैं कुछ शोक प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या 1, यह सदन गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के 17 मार्च 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को हुआ। वे वर्ष 1994, 1999, 2002, 2007, 2012 तथा 2017 में गोवा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2000 से 2005, 2012 से 2014 के दौरान तथा वर्ष 2017 से अपने अंतिम समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 2014 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 से 17 के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे। वे गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2, ये सदन दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के 20 जुलाई 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 31 मार्च 1938 को हुआ। वे वर्ष 1984 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई तथा वर्ष 1984 से 89 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं। वे वर्ष 1998, 2003 तथा 2008 में दिल्ली विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उन्होंने 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा 11 मार्च 2014 से 4 सितंबर 2014 तक केरल के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3, ये सदन हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती शारदा रानी के 17 मई 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1935 को हुआ। वे वर्ष 1968, 1972 तथा 1982 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई। वे वर्ष 1969 से 1972 तक मुख्य संसदीय सचिव, वर्ष 1972 के दौरान उपमंत्री, 1972 से 1977 तक राज्य मंत्री तथा 1982 से 1987 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रही। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4, ये सदन संयुक्त विधानसभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती स्नेहलता के
29 मार्च 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 जून 1921 को हुआ। वे वर्ष 1957 में संयुक्त पंजाब विधानसभा तथा वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री जगीर सिंह, गांव करासा, जिला कुरुक्षेत्र; श्री रामनारायण, गांव मुसेपुर, जिला रेवाड़ी; श्री देशराज भट्ट, अंबाला शहर, जिला अंबाला; श्री दुलीचंद, गांव द्वारका, जिला चरखी दादरी। यह सदन इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।